तो देखिए कृष्णा सौते की जीवन कृति के बारे में हम पढ़े थे। कृष्णा सौते की आपने साहित्यिक रचना पढ़ी, जो काव्य रचना थी वो पढ़ी। अब आप साहित्यिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। कृष्णा सौते की साहित्यिक विशेषता क्या क्या है? कृष्णा सौते ने अपनी रचनाओं में मध्यवर्गीय जीवन की विभिन्न समस्याओं का इजाद प्रदर्शन किया है। कौन से जीवन की? मध्यवर्गीय जीवन। एक होता है उच्च वर्ग, एक होता है मध्यम वर्ग, एक होता है निम्न वर्ग। तो कहने का प्रिय छात्रों, कहने का अभिप्राय यह है कि ये प्रिय विद्यार्थी, प्रिय बच्चों, कहने का अभिप्राय यह है कि मध्यवर्गीय जीवन जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच का जीवन होता है, उसके ऊपर विभिन्न समस्याओं का यथार्थ वास्तविक इन्होंने जहां एक और भाग पाक विभाजन से उत्पन्न विसंगतियों पर विवेचन किया है। विवेचन क्या है? वही दूसरी ओर नारी जीवन से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं पर भी प्रकाश डालता है। यानी कि नारी के जीवन में किन किन समस्याओं, क्या क्या समस्याएं आती हैं और उनसे कैसे छुटकारा पाया जाता है। तो प्रिय बच्चों कहने का अभिप्राय यह है कि नारी के जीवन से विभिन्न समस्याएं जुड़ी होती है और उनसे किस प्रकार छुटकारा पाया जाता है, इन्होंने अपने रचनाओं में किस प्रकार की बातों का भी उल्लेख किया है। समस्या पर प्रकार डाले कि जिनकी नामा उपन्यास भात पाक, जिनकी नामा उपन्यास क्या बताया, भात पाक विभाजन पर केंद्रित है। ये पूछा जाएगा कि भात पाक उपन्यास भात पाक विभाजन पर आधारित कृष्णा सूक्ति का कौन सा उपन्यास है, तो आप बताएंगे जिंदगी नाम। हम हस्मत की एक संस्मरणात्मक रचना है। हम हस्मत की क्या विद्यालय की, यहाँ पर ये पूछा गया है तो ये बताया है हम हस्मत की एक संस्मरणात्मक रचना है। इन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को कई ऐसे आयाम दिए हैं, कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं, आयाम दिए हैं या यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? अमर। जैसे हैं हमारा मित्रोसानी, क्या है मित्रोसानी हम हस्मत, क्या होता है इन्होंने मित्रोसानी हम हस्मत। लेखक के प्रति पूर्ण निष्ठा आपके का ओर, लेखक के प्रति पूर्ण निष्ठा, हम किसी भी कार्य के प्रति जब पूर्ण निष्ठा रखते हैं, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय छात्रों, जब हम किसी कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा आत्मीयता और का भाव प्रवणता के साथ साथ कलात्मक, लेखन के प्रति पूर्ण निष्ठा आत्मीयता और भाव प्रवणता के साथ साथ, और क्या होता है भाव प्रवणता के साथ साथ कलात्मक शोषण की विशेषता है। क्या होता है? कलात्मक शोषण की विशेषता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में नारी की मन शक्तियों, क्या होता है इन्होंने अपनी रचना में नारी की मन शक्तियों, नारी मतलब है महिला की मन शक्तियां, यानी कि मन की जो दशा होती है एवं इच्छाओं का पूरे साहस एवं सहानुभूति के साथ चित्रण किया है कि उसमें महिलाओं के मन में क्या क्या इच्छाएं पैदा होती है, उसको कैसे मतलब हो गया रहता है। तो इसमें जो है कृष्णा सौते ने पूरी सहानुभूति के साथ इस प्रकार चित्रण किया है तथा समकालीन परिस्थितियों में नारी जीवन की व्यवस्था असहायता के यथार्थ को समझते हुए उसे संवेदनात्मक अभिव्यक्ति प्रदान की है। क्या अभिव्यक्ति प्रदान की है? अब अगला आता है हमारा भाषा शैली। क्या आता है? भाषा शैली। कृष्णा सौते की भाषा सहज सरल और व्यवहारिक है। क्या होता है? कृष्णा सौते के काव्य की भाषा जो है, कृष्णा सौते के गद्य साहित्य की जो भाषा है वो सहज सरल और व्यवहारिक है। कैसे है? व्यवहारिक। ये प्रसंगानुकूल वातानुकूल भाषा का प्रयोग करते हैं। इन्होंने हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग किया है, यानी कि हिंदी के भी, उर्दू के भी, पंजाबी के शब्दों का भी। तो इन्होंने हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग किया है।
कहीं कहीं के लिए सार वाक्य उर्दू भाषा का प्रयोग करती है, यानी कि जब आप अपनी काव्य की रचना करती है तो उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग पूरे वाक्य में कर देती है। जैसे हरमाइनी उर्दू भाषा का शब्द है अंदाज, खुराफा, तकलीफ, महरूम आदि, ये उर्दू भाषा के शब्दों का इन्होंने अपने लेखन आदि में प्रयोग किया है। उर्दू के शब्द है प्रस्तुत पाठ में व्यंग भी प्रयोग किए हैं, यानी कि अधिकता से अधिक इन्होंने बिना किसी झिझक के उर्दू के शब्दों का प्रयोग अपने लेखन कार्य में किया है। यही नहीं कि कुछ शब्दों पर मुहावरों का भी प्रयोग करती है, क्या कुछ शब्दों पर यानी कि वाक्यों के जगह जगह या अनेक स्थानों पर मुहावरों का प्रयोग करती है। इन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण का ताजगी प्रदान की है। इन्होंने हिंदी का जो लेखन कार्य किया है उसमें एक ताजगी प्रदान की है। उर्दू के भाषण के साथ साथ इनकी भाषा में संस्कृत निष्ठ उर्दू के शब्दों के साथ साथ या उर्दू के शब्दों के टेढ़ेपन के साथ साथ इनकी भाषा में संस्कृत तत्सम व पंजाबी की जिंदादिली सब एक साथ मौजूद है। थोड़े शब्दों में मर्म को उद्घाटित करने की क्षमता, थोड़े शब्दों में मर्म का मतलब होता है आत्म रहस्य, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना, आत्मा की बातों को उजागर करने की क्षमता इनके लेखन का एक विशिष्ट उद्घाटित करने या इनके लेखन का एक विशिष्ट गुण है। प्रसाद गुण इनकी भाषा का मुख्य गुण है, इनकी भाषा कौन सा गुण है प्रसाद गुण। आधुनिक हिंदी लेखिका में प्रसाद शब्द का नाम बड़े आदर के साथ किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय बच्चों, प्रिय छात्रों, मुझे पूर्ण आशा है कि आप प्रसाद शब्द के जीवन परिचय के बारे में अच्छी तरह से परिचित हो गए होंगे। आप उनके जीवन परिचय के बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे। तो प्रसाद शब्द के जीवन के परिचय के बारे में इतना ही था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।